और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। हेलो क्लास, हाउ आर यू? आई होप दैट ऑल टू ऑल विल बी परफेक्टली फाइन। देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक। लाइक दैट पहले जो मेरा था वो पार्ट वन आया था, आज मैंने पार्ट टू लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से सी को कहाँ पर कौ पढ़ते हैं और कहाँ पर सौ पढ़ते हैं, बट मैंने सिर्फ सौ का बताया था, कौ का नहीं बताया था। देन आज मैं बताने वाला हूँ कि सी को कौ कहाँ पढ़ा जाता है। अगर आपने लास्ट वीडियो को वॉच नहीं किया है, एंड यू विजिट टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर विल बी लिंक एंड यू क्लिक दैट एंड वॉच द वीडियोज। ओके, देन लेट्स गो फर्दर टुडे। आज हम बताने वाले हैं कि सी का यूज को कहाँ किया जाता है। ठीक है, इस कंफ्यूजन को तुम टोटली दिमाग से दूर ही कर दो। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर टू। ओके, ठीक है, फर्स्ट वन क्या है कि रूल नंबर टू मैं लेकर आया हूँ, इसमें क्या है थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, है ना। अगर सी के बाद अगर कहीं पर सी लिखा हुआ है, कोई वर्ड अगर सी लिखा हुआ है, अगर सी के बाद ए ओ यू के आर टी अगर आए तो हम वहां पर सी को कौ पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल पे मैं बताता हूँ, अगर एग्जांपल आप लेते हैं, सबसे पहले आप ले लीजिए सी ए आर कार। तो देखिए सी के बाद ए आ रहा है, मतलब ए यहाँ हमारा है, इसका मतलब यहाँ पर सी का वैल्यू कौ होगा, इसका मतलब हम इसको कार पढ़ेंगे, सो नहीं पढ़ेंगे, कार पढ़ेंगे। नेक्स्ट ओ आता है, अगर आप इसको देखते हैं सी ओ टी, देखिए सी ओ टी, क्या आप इसको क्या पढ़ते हो, शॉर्ट पढ़ते हो कि कोट पढ़ते हो? आप इसको कोट पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि सी के बाद यहाँ पर हम सी का वैल्यू को देंगे, क्यों? क्योंकि सी के बाद ओ आ रहा है मेरा। ठीक है, तो ये कोट पढ़ाएगा। नेक्स्ट में आता है यू, अगर आप देखते हो सी यू पी, आप क्या पढ़ते हैं इसको, सब या कब? तो आप पढ़ते हैं इसको कब। वाई? बिकॉज देयर इज द यू आफ्टर सी, सी के बाद यू आ रहा है, तो हम यहाँ पर सी का वैल्यू क्या होगा, को होगा। ठीक है, सिर्फ कब। नेक्स्ट देखिए के आ रहा है, तो हम क्या देंगे, सी ओ सी के, कॉक। तो देख लो आप, सी के बाद, सी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा, को रहेगा, है ना। तो यहाँ पर सी का वैल्यू को हो जाएगा, हम इसको को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में आता है इसे आर का, देख लीजिए सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो। तो सी के बाद आर आ रहा है, तो हम यहाँ सी का वैल्यू को पढ़ेंगे, है ना, क्रो, को, स्रो नहीं पढ़ेंगे, क्रो। ऐसा बहुत से लोग होते हैं, बहुत से स्टूडेंट को आप उठा कर देख लीजिए, चाहे वो क्लास अलेवंथ ट्वेल्थ के हो या फिर आप टेंथ नाइन्थ, जो भी स्टूडेंट्स है आपसे देख लीजिए कि वो तो मैक्सिमम पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इंग्लिश को, कि यार कहाँ पे सी को कौ पढ़ेंगे, कहाँ पे सी को सौ पढ़ेंगे। बट जिसको पता होता है वो डेफिनेटली पढ़ लेते हैं, बट जिसको नहीं पता होता है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और फिर पूछने से भी शर्माते हैं। देन सो आप उस तरह नहीं करना है, हमारे वीडियो बने रहे और मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। ठीक है, कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि सी का सौ कहाँ पढ़ना है, अब मैं बता रहा हूँ सी का कौ कहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला है कि टी वाला। देखो जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, सी ए डबल टी एल ई, कैटल। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास सी के बाद ए भी आ रहा है, सी के बाद टी भी आ रहा है, तो यहाँ पर सी के वैल्यू क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने, मैंने सारे एग्जांपल बता दिए। तो सबसे पहले तो माइंड में इसको सेट करना, ये रूल नंबर टू, और मैंने बताया है रूल नंबर वन। रूल नंबर वन को देख लीजिए, उसका जो वीडियो होगा हमारे प्ले लिस्ट में स्पोकन इंग्लिश में मिल जाएगा। और सेकंड जो रूल है ये वाला, इस रूल को याद रखना इस तरह से। ओके, तो देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर, ये जो मेरा सी है, तो हम इस सी को कहाँ पर कौ पढ़ेंगे और कहाँ पर सौ पढ़ेंगे ईजीली, क्योंकि मैंने आपको बताया है रूल नंबर वन और रूल नंबर टू, आप इस दोनों को फॉलो कीजिए और किसी भी इंग्लिश बुक को पढ़ने में ये रूल आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आप आजमा कर देख लीजिए, अप्लाई करके देख लीजिए, सब चीज़ करके देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और आई होप कि आपको ये समझ में आया, मैंने सारे एग्जाम्पल बता दिया आपको। ठीक है, इस तरह से जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि किसी को ये पता भी नहीं होगा कि यार किस तरह से सी को कॉप और सी को सौ पढ़ना चाहिए, और आज आपको क्लियर हो गया। ओके, तो चलिए, हमें बताने में बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, और हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है कि आप लोगों को एक से अच्छे बेटर बेटर वीडियो पहुँचाया जाए। ओके, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जी, जैसे जी है तो जी को कहाँ पढ़ते हैं, गो, कहाँ पढ़ते हैं, जो। ओह शिट, कितना बड़ा प्रॉब्लम है यार, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जी को गौ पढ़े कि जी को जो पढ़े, है ना। इसे कहीं लिखा रहता है कि जॉर्ज, तो आप इसको क्या पढ़ते हो, कि गॉर्ज पढ़े कि जॉर्ज पढ़े, ठीक है, कन्फ्यूजन है ना। अब वही लिखा रहता है कि जैसे जी एल एफ गल्फ, तो इसको गल्फ पढ़े कि जल्फ पढ़े, ठीक है।
तो वह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें एंड आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग आवर वीडियोज, सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू. It's caught in the crossfire.